उत्तर प्रदेश जिला संभल के थाना गुन्नौर की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान तीन आरोपी अशरफ अली जुम्मी और राजू को चोरी की तीन मोटरसाइकिल व एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया तथा आरोपियों की निशानदेही से 14 अन्य मोटरसाइकिल लहरपुर में बंद पड़े भट्टा की झाड़ियों से पुलिस ने बरामद की है। आरोपियों ने बताया कि हम लोग आसपास के क्षेत्र मुरादाबाद दिल्ली नोएडा आदि जनपदों में मॉल सिनेमा हॉल और अस्पताल जहां पर ज्यादातर बाहर खड़ी गाड़ियों के लॉक तोड़कर चोरी कर झाड़ियों में छुपा देते थे और बाद में ग्राहक ढूंढकर धोखाधड़ी से बेच देते थे। संभल में जो गुन्नौर थाना क्षेत्र है वहां पे चौकी बैरपुर के पास में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग चोरी की बाइक के साथ आ रहे हैं, इनकी घेराबंदी की गई तो तीन अभियुक्त पकड़े गए उसमें तीन बाइक के साथ में, तो इनको फिर रोका गया, पूछताछ की गई, इनका बाइक चेक किया गया तो ये पाया गया कि ये बिना किसी नंबर के है और जब इसको चेक किया गया तो पता चला ये चोरी की बाइक है और इनके जब गहन पूछताछ की गई तो ये पता चला कि बहुत सारी बाइकें ला करके रखे हुए हैं और जगह जगह इसको नंबर प्लेट बदल के बेचते हैं, किसी को वैसे ही बेच देते हैं या आसपास के जनपद तो मुरादाबाद बदायूं संभल और अन्य जनपदों से चोरी करके लाते हैं और सस्ते दामों पे 5 से 10 हज़ार के बीच में बाइक को बेच देते हैं अपना खर्चा चलाने के लिए और काफ़ी बाइकें रिकवर की गई हैं। अब इनके साथ विधि कार्रवाई की जा रही है।